और चलिए सीधे जयपुर आपको लिए चलते हैं, जहां सीएम अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मैंने पाया है कि अब बहुत बदलाव हो चुका है। वो जमाना था कि हमारे बच्चे जाते थे पुणे, कर्नाटक, महाराष्ट्र के अंदर। जब से मैंने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, उस वक्त 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान में 98 के अंदर, 6 और 91 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर। कंपनी कोई है ही नहीं। मत कहने का मतलब यह है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई जमाने में प्रीमियर इंस्टीट्यूशन मान जाते थे IIT, IIM, हम तो कभी सुनते ही थे। आज पूरे राजस्थान के अंदर IIT, IIM उदयपुर, IIIT कोटा, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, एम्स जोधपुर, निफ्ट, FDDI, सारी विश्वविद्यालय जो प्रीमियम कहलाती है वो आज राजस्थान के अंदर है। 250 कॉलेज थी 70 साल पिछले 10 साल के अंदर। अभी मैंने 5 साल में, आपको शायद मालूम होगा, 5 साल में 303 कॉलेज खोल दिए। कहाँ तो 250 कॉलेज आपकी पूरे 75 साल में, कहाँ आपकी 303 कॉलेज, उसमें 130 कॉलेज गर्ल्स की है। 500 गर्ल्स जहाँ होगी वहाँ कॉलेज खोल दिया जाएगा गर्ल्स की। ये हमारी प्रायोरिटी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो मेरी प्रायोरिटी है मुख्य रूप से। अगर किसी प्रदेश के छात्र युवा शिक्षा और उनको आप स्वास्थ्य सेवा दे दीजिए हमारी पॉपुलेशन को, तो बाकी काम स्वतः हो जाएंगे। मानव संसाधन बनता है, ह्यूमन रिसोर्स बनता है उस राज्य का, तो आराम से फिर आप चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, सब कुछ हो सकता है। हमने एक सेक्टर और चुना है, सोशल सिक्योरिटी सेक्टर, जिसको मैं बहुत महत्व दे रहा हूँ। आपको मालूम है मैं कई बार बोल चुका हूँ, क्योंकि आज दुनिया के मुल्कों के अंदर जिस रूप में सोशल सिक्योरिटी में हर परिवार सुरक्षित है, जो निडी परिवार है, मैं चाहूंगा इस देश के अंदर भी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को भी रिक्वेस्ट की है, आपको चाहिए जो मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी लेके आई थी राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसी ढंग से एक्ट बनाओ आप पूरे देश के लिए। अभी राज्य सरकार अलग अलग पैसा बांटती है पेंशन के लिए, कम को ज्यादा। हम चाहते हैं पूरे कंट्री में कम से कम जो नीडी लोग हैं, ओल्ड एज में उनके परिवार की स्थिति नहीं होती है पालने पोसने की, कई बूढ़े लोगों को भी, मजदूरों को भी, बुजुर्ग आदमी का आदमी कर सकता हूँ, उनको सबको सिक्योरिटी मिले। पूरे कंट्री में एक ही पेंशन हो, एक ही पेंशन हो, हर परिवार का कम से कम कॉन्फिडेंस रहे, हमें जिंदगी में बुढ़ापे में तकलीफ नहीं आएगी। ये कॉन्फिडेंस हर नागरिक को होना चाहिए। मैं क्यों करता हूँ बार बार ये OPS की बात क्यों करता हूँ? 35 साल की नौकरी में वो सोचे पता नहीं बुढ़ापे के अंदर शेयर मार्केट ऊपर जाके नीचे जाएगा, उस चक्कर में वो आदमी क्या काम करेगा, करप्शन भी करेगा। तो हमने इतना बड़ा फैसला किया OPS का, बहुत आलोचना हो रही, मुझे मालूम है सारे इकोनॉमी जो है अच्छे अच्छे वो आर्टिकल लिख रहे हैं मेरे खिलाफ में, मेरा मतलब सरकार के खिलाफ में। पर मैं कहना चाहूंगा आपको, वक्त बदल गया है, हमें हर नागरिक को, प्रदेशवासियों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा हम आपके साथ खड़े हैं। Mission 30 का मतलब क्या है? यही मतलब है हम नंबर 1 बने देश के अंदर, के राजस्थान के अंदर जो मैं बातें बोल रहा हूँ, सोशल सिक्योरिटी की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे हेल्थ की हो। हेल्थ को लेकर एक आर्टिकल पढ़ा मैंने, अमेरिका में एक इकोनॉमिस्ट है जो पहले नीति आयोग में उपाध्यक्ष थे, राइट टू हेल्थ की उन्होंने खूब आलोचना जम के करी है। यही फर्क होता विचारधारा का, ये लड़ाई विचारधारा की भी है, ये लड़ाई राइट और लेफ्ट की भी है। हमें उसको समझना पड़ेगा कि सोच क्या व्यक्ति की। आज हमारी BJP क्या दुश्मनी थोड़ी है कोई, संघर्ष है विचारधारा का संघर्ष। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो तय किया है उसी रूप में आज हमने तय किया है 2030 मिशन लेके चले, नंबर 1 रहे राजस्थान देश के अंदर, बन सकता है अगर पूरे प्रदेशवासी खड़े हो जाएं तो GDP बढ़ते टाइम ही लगता है। हर सेक्टर में किसान है, मजदूर है, सर्विस क्लास है, सब सोच लेगा हमें हमारी प्रदेश
कि मिशन 2030 को कामयाब करना है, तो आश्चर्य की बात नहीं है। जब जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है तो सतही विकास तेज गति से बढ़ता है। ये जो मैं कह रहा हूं आपको, ये सोच करके हमने तय किया, क्यों नहीं हम मिशन बना के चले 30 तक का, जिससे कि हम प्रदेशवासियों के दिलों में बात घर कर जाए कि सरकार ने अगर आह्वान किया हम लोगों को, हम सबकी ड्यूटी बनती है। अकेला कोई मिशन 30 एक आदमी नहीं कर सकता। अगर प्रदेशवासी, वहां के युवा, वहां के छात्र, वहां के सर्विस क्लास के लोग, वहां के मजदूर सब तय कर ले, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप राजस्थान जम कर सकते। आज हम बहुत पीछे हैं। जो हमने हेल्थ सर्विसेज दिए आपको, उसको लेके बहुत लोग खुश हैं। हेल्थ सर्विसेज को 25 लाख का बीमा हमने कर दिया, सीटी स्कैन MRI सब फ्री है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री है, सब कुछ होने के बावजूद भी हम बहुत पीछे हैं। अभी हेल्थ सर्विसेज के आंकड़े देखो भारत सरकार के, तुलना करो राज्यों की, देश के अंदर हम बहुत पीछे हैं। ये मुझे एहसास इस बात का है। उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि जो शुरुआत हमने करी कोरोना के बाद में या कोरोना के पहले, उसका फायदा लोगों तक तो कैसे पहुंचे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। 98 के अंदर मैंने एक स्कीम बनाई थी, पहली बार जब मैं CM था 25 साल पहले, मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोर्स। आप मेरे कुछ लोगों को मालूम होगा, इतना वो बहुत बड़ी स्कीम थी, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोर्स। मुझे इस बात का दुख रहा कि मैंने हर मीटिंग में उसको कोट किया, मीटिंग कि मैंने ऐसी बनाई है। उस वक्त BPL की संख्या बहुत बड़ी थी देश के अंदर, राजस्थान के अंदर। मैंने कहा उनके लिए कितना ही पैसा खर्च होगा, 1 लाख 2 लाख, उस जमाने का 1 लाख 2 लाख, 5 लाख 10 लाख सरकार देगी उसको। आज जो 25 लाख में बात कर रहा हूं मैं, उस जमाने में मैंने बात करी, सरकार देगी आपको। उसके बावजूद आपको आश्चर्य होगा, जब चुनाव आए थे 2002-03 के अंदर, तो मैं मीटिंग में जाता तो मैं हाथ खड़े करवाता, तब तक कितने लोगों को मालूम है कि मैंने ये स्कीम बनाई आप लोगों की। फिर मैं हाथ को गिनता, वहां देखता कहीं 25, कहीं 50, कहीं 60 हाथ खड़े होते। तो मैंने कहा तुम 3000 लोग बैठे हुए हो, अगर ये स्कीम जो हम बार बार 4 साल से बोल रहे हैं, 4.5 साल से, अगर आप सबको मालूम होती तो कितने गरीबों का भला हो जाता। इतनी बड़ी संख्या में BPL के लोग हैं, इलाज फ्री होता। जो आज मैं इलाज फ्री कर रहा हूं, उस वक्त मैंने कहा था सबका इलाज फ्री होता उस वक्त, और मैंने 8-10 लाख रुपए मंजूर किए उस जमाने के अंदर भी। कहने का मतलब ये है, आज ये कैंप क्यों लगा रहे हैं हम लोग, कैंप इसीलिए लगा रहे हैं। वो उदाहरण मेरे सामने है कि 4.5 साल 4.5 साल बाद में भी हाथ खड़े 50-50, 60-70 हुए थे। ये क्यों? ये कैंप ऐसा होगा अभियान, हर आदमी को मालूम पड़ेगा मुझे कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। सब IT बेस कर रहे हैं हम लोग। आदमी जाएगा, अपने नंबर देगा, आधार नंबर देगा, जनाधार नंबर देगा, बिजली के बिल का नंबर देगा, उसको उसके अलावा और 10 स्कीम में कौन कौन सा फायदा लेने वो एलिजिबल है, हो सकता है अभी आज उसको मालूम ही नहीं है, वो उसके कंप्यूटर में आ जाएगा कि तुम 5 स्कीमें 6 स्कीम लेने के एलिजिबल हो, और 6 स्कीम लाभ उसको मिल जाएगा। और जो हमारे हम आह्वान बार बार मीडिया वालों कर रहे हैं, जनता को कर रहे हैं, आप लोगों को बात पहुंचाओ कि कैंप लग रहे हैं, आप वो कैंप में जाना चाहिए। वो आएंगे कैंप में, उसको मालूम नहीं कि मुझे लाभ, मैं लाभार्थी बन सकता हूँ उसका, तो मालूम नहीं, वो ले ही नहीं पा रहा है, उसे लाभ मिलेगा। हम तो ये भी कहेंगे जो लेना नहीं चाहे, कुछ लोग होते हैं जो कि मान लो BPL से APL में आ गए हैं, पैसे वाले हो गए, वो चाहेंगे कि मैं, मुझे लाभ नहीं चाहिए, उसको जरूरत नहीं वहाँ आने की, वो पैसा बचेगा तो हम कोई और स्कीम को एक्सटेंड कर देंगे, गरीबों का भला हो जाएगा। इस प्रकार से इस सोच समझ करके जो कैंप लगा रहे हैं हम लोग, उसमें आप जानेंगे खुशी होगी कि पूरा रोड मैप बन चुका है, और बजट और जो बात की जा रही है महंगाई की और राहत की, इसके आधार पर ही हम चाहेंगे कि पहले 700 कैंप लग रहे हैं, 700 शुरू होंगे कैंप, और 2700 कैंप लगेंगे टोटल। इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे,
और पैसा ने गांव के संग शहरों के संग के साथ साथ में ये कैंप महंगे इलाज के अलग लगेंगे वहीं पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान से राजनीतिक पार्टी चाहे किसी कोई पार्टी हो कार्यकर्ता जुड़ेंगे, लोगों को इतला करेंगे, लोग आके वहां पर राहत लेंगे, महंगाई राहत। तो महंगाई इतनी भयंकर है जिसके लिए राहुल गांधी की यात्रा निकल गई 3,500 किलोमीटर की। महंगाई, बेरोजगारी,